नेक्स्ट सम, इसे हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, बहुत इजी होगा, बट हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फिर से. ठीक है, ए वन इक्वल्स टू ए, बी वन इक्वल्स टू बी, सी वन इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था, इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ए स्क्वायर इधर जाएगा माइनस ए स्क्वायर. ए टू इक्वल्स टू बी, बी टू इक्वल्स टू ए, सी टू इक्वल्स टू, इस साइड चला जाएगा. ठीक है, एक्स अपॉन, ये दोनों नहीं आएंगे, ये चार आएंगे, वाई अपॉन सबसे पहले सी के आएंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर ए के ए बी, एंड वन अपॉन कॉन्स्टेंट के नहीं, ये दोनों आएंगे, ए बी बी ए, डन. अब एक्स अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर, यानी के हुआ बी क्यूब, माइनस माइनस ए क्यूब, तो ये हो गया प्लस ए क्यूब, माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस फॉर्मूला में, और फिर ये आया माइनस ए बी स्क्वायर, तो हो गया प्लस ए इंटू ए ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर. अब x और 1 को कंपेयर करेंगे सबसे पहले. सो x अपॉन, ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो x इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ए माइनस बी ए प्लस बी, कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी. एक्स आया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही इजी रहेगा. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना. सो एक्स इक्वल्स टू दिस. अब सेकेंड लेते हैं, ये रहा वाई. ठीक है, कॉमन निकालते हैं, इसमें कॉमन ए बी माइनस ए प्लस बी, यानी बी माइनस ए, वन अपॉन बी स्क्वायर. सो वाई इक्वल्स टू, उधर ले जाएंगे इसको, ए बी बी माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी. अब ये कैंसिल होगा बट माइनस वन बचेगा, बी माइनस ए माइनस बी कैंसिल होगा, तो क्या आया, माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. सो दिस इज योर वाई. ओके, तो आज हमने ये पांच सम्स किए सारे मेथड से, स्पेशली ए और बी वाले जो तुमको डाउट आ रहे थे, तो इसकी अच्छे से